हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीओ अपडेट। सो फिर से आ गया हूं मैं आपका दोस्त, आपके लिए लेकर एक एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अथर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि मुंबई में रिसाइड करता है, उस कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज के हम लोग सारे ही पैरामीटर्स पर डिस्कशन करेंगे आज के लिए। तो चलिए चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो बात करते हैं कॉलेज। कॉलेज का नाम है अथर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन के लिए DTE का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना होता है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है क्योंकि ये बेसिकली मुंबई से है। ये NAC accredited कॉलेज है। उसके बाद में बात करें ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 3 टाइप्स के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि दो टाइप है, फुल टाइम कोर्स और पार्ट टाइम कोर्स। फुल टाइम कोर्स आर सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, द वन इज PGTM एंड अनदर वन इज MMS। बेसिकली दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो यूनिवर्सिटीज हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको डिग्री मिलती है MBA की, और वहीं आप मुंबई यूनिवर्सिटी से डिग्री आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको डिग्री मिलती है MMS। MMS का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और MBA का फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो दोस्तों ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, टेन्योर दोनों का एक ही होता है, फीस भी एक ही होता है, और जो प्लेसमेंट के स्टैट्स होते हैं वो भी सिमिलर ही जाते हैं। सो बात करते हैं इस कॉलेज के कोर्सेज के बारे में। यहाँ PGDM भी प्रोवाइड किया जाता है, MBA भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम लोग MMS कहते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज में। तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसकी कंप्लीटली फोकस्ड है MMS कोर्स के लिए। तो प्रोग्राम्स में जाके हम लोग MMS चेक करते हैं कि MMS का क्या डिटेल्स है इस कॉलेज का। यहाँ आउटकम्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इसका जो पूरा केयर टेकर है वो मुंबई यूनिवर्सिटी देखता है। ये AICTE अप्रूव कॉलेज है, 2003 का कॉलेज है, मीन्स ये 18 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। सो वेल स्टेब्लिश्ड है, कोई फ्रेशर नहीं है इस मार्केट में। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो जो कोर्स का कैटेगरी है वो MMS का है। उसका जो ड्यूरेशन है 2 ईयर्स का, जैसे कि मैंने बताया, एवरी पोस्ट ग्रेजुएशन MTech हो, MBA हो या MMS हो, ये सारे ही 2 ईयर्स का ड्यूरेशन कवर करते हैं। फिर उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो दोस्तों यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो पर्टिकुलर इस कॉलेज का नहीं दिया, ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपको जो, अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपका स्कोर 50% के अबव चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम एंड यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अदर कैटेगरीज, सो योर स्कोर वुड बी अबव 45 परसेंटाइल ओनली, एंड ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर टेकिंग एन एडमिशन इन टू मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। सेकंड चीज देखते हैं, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स मे ऑल्सो अप्लाई ऑन प्रोविजनल बेसिस। डेफिनेटली दोस्तों, इफ यू आर अपियरिंग इन योर, इफ यू आर ऑलरेडी इन योर फाइनल ईयर एंड यू हैव योर प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट, सो यू कैन अप्लाई, यू कैन टेक एडमिशन एनी हाउ एंड यू विल गेट एन एडमिशन ऑन द प्रोविजनल बेसिस। थर्ड पॉइंट इज शुड हैव अ वैलिड स्कोर ऑफ CMAT, MHCET, AMMI। सो दोस्तों आपके पास में इन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तो भी तो आपके पास में स्कोर होना चाहिए। मेजरली दोस्तों यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए MHCET का स्कोर होना जरूरी है। सो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ओवरऑल इनटेक ऑफ दिस कॉलेज इज 126। आउट ऑफ 126, 20% विल बी फॉर मैनेजमेंट कोटा एंड रेस्ट विल बी वाया CDTE कैप राउंड्स। सो 120 का 20% इज 24 सीट्स। सो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो नीचे में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ पे अप्लाई फॉर MA MBA कोर्स के ऊपर में आपको क्लिक करना है, कुछ डिटेल्स फॉर्म फिल करनी है, गूगल फॉर्म आएगा उसमें कुछ डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में कॉलेज के थ्रू ही आपको सामने से ही कॉल आएगा और देन आपका प्रोसीजर शुरू होगा। और आपको DT के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो जैसे कि आप जानते हैं एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है, कैप राउंड्स भी शुरू होने वाले हैं जल्द ही। तो दोस्तों DT का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि कैप राउंड्स होते हैं एवरी ईयर, तो उसके बाद भी आप ले सकते हो। फीस अगर देखते हैं तो फीस पर एनम का फीस दिया हुआ है यहाँ पे 2,15,000 इफ फॉर पर एनम, सो द ओवरऑल फीस फॉर द एंटायर कोर्स विल बी अराउंड 2,30,000, सॉरी 4,30,000। सो दोस्तों यहाँ पे जो ओवरऑल आपको फीस पे करनी होगी तो वो होगी 4,30,000। फिर यहाँ पे साइलेंट फीचर्स दिए हुए, मींस व्हाट ऑल एमिनिटीज दिस कॉलेज हैव, व्हाट ऑल फैसिलिटीज दिस कॉलेज प्रोवाइडिंग, एनी इंडस्ट्रियल विजिट्स इफ दे हैव वाईफाई फैसिलिटीज, सो ऑल दैट एमिनिटीज एंड साइलेंट फीचर्स आर लिस्टेड डाउन बिलो, सो यू कैन रीड इट आउट एंड गो थ्रू इट प्लीज। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन द वेरी मेन पॉइंट, दैट इज कैंपस प्लेसमेंट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। हियर द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स गिवन इज हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड, दैट इज 16.5 लाख पर एनम। सो दोस्तों ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 16.5 लाख एवरी ईयर अचीव करना एज अ मीडियोकर कॉलेज इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दोस्तों ये कभी आया होगा, सो वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, किसी ईयर आया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ नियर 100% प्लेसमेंट। डेफिनेटली दोस्तों अभी हम लोग ने देखे जस्ट कि इस कॉलेज का सिर्फ इनटेक है 120 का, ये 2003 से एस्टेब्लिश्ड है। सो दोस्तों 18 ईयर्स का अगर कोई कॉलेज सर्वाइव करती है तो डेफिनेटली उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और 120 बच्चों को प्लेस करना इज नॉट अ बिग डील। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच CTC दिस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स, सो दिस इज, दैट इज द ओनली पॉइंट। सो यहाँ पे भी फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियर 100%, नॉट 100%। सो दोस्तों अगर आप इस कॉलेज से, आप एवरेज भी स्टूडेंट हो तो आपको इस कॉलेज से एक कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जानी है, डिपेंड्स आपके कैपेबिलिटी पे कि आप कितना ज्यादा अचीव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह अपॉर्चुनिटीज दिए हुए, मीन्स स्ट्रीम वाइज स्टूडेंट्स को किस टाइप के रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से और आप फाइनेंस की कोई कंपनीज में प्लेस होते हो तो आपको रोल्स कहाँ से कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वेल्थ एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट,
फाइनेंस में किस तरीके से रोल प्रोवाइड किया जाता है, तो कुछ ऐसे होते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क ऑपरेशंस, इंटेलेक्चुअल बिजनेस, बैंक ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर आप मार्केटिंग में हो तो सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सर्विस मैनेजमेंट, कंज्यूमर एनालिस्ट, इस टाइप के। देन ह्यूमन रिसोर्स के दिए हुए, ऑपरेशंस के दिए हुए, एंड आईटी सिस्टम्स के भी दिए हुए। सो दोस्तों ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स का कि यहाँ पे कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं। सो जो दोस्तों यहाँ पे मेजर रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो सारे होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, जो कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे मेजर रिक्रूट करता है, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे मेजर रिक्रूट करता है। देन यहाँ पे अगर कंपनीज कहा जाए, आईटी कंपनीज कहा जाए, तो यहाँ पे एक्सेंचर आता है। उसके बाद में ऑफ कैंपस के थ्रू टाटा में जाते हैं, टीसीएस में जाते हैं, इन्फोसिस में जाते हैं बच्चे लोग। और उसके बाद में अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात की जाए, तो यहाँ पे naukri.com आती है, जारो एजुकेशन आती है। यहाँ पे लिस्ट तो काफी बड़ी है, बट जो एक्चुअल में आती है वो आती है स्क्वेयर यार्ड्स, जो एवरी ईयर आनी ही आनी है। फिर उसके बाद में ऊपर नीचे कॉलेज एडजस्ट कर लेता है किसी किसी कंपनी को, तो उनको भी वो लोग इस लिस्ट में डाल देते हैं। बट जो एवरी ईयर आती है उनके ही मैं नाम लेना चाहता हूँ। उनमें है बायजूस, बायजूस एक 10 लाख का पैकेज लेकर आती है, जो कि मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा होता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद में अगर हम लोग देखा जाए तो अमूल लिमिटेड आती है, हल्दीराम्स आती है इस कॉलेज में। सो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो एवरी ईयर इस कॉलेज में आते हैं और स्टूडेंट्स को बल्क रिक्रूट करते हैं, बल्क इन द सेंस ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट्स, नॉट 1 or 2 और नॉट इन हंड्रेड। सो इस तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट काफी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे बताया गया है 16.5 लाख, बट अगर हम लोग एक्चुअल प्लेसमेंट देखा जाए एवरी ईयर, तो जाता है नियर बाय 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे बच्चे अचीव कर पाते हैं। जो लोएस्ट पैकेज अचीव करते हैं वो रहता है 3.5, दैट इज 3.5 लाख का पैकेज यहाँ पे स्टूडेंट को मिलता है एज अ लोएस्ट, एट द लोएस्ट एंड। और जो हम लोग एवरेज पैकेज कंसिडर किया जाता है, ये कॉलेज क्लेम करता है एवरेज पैकेज 6.5 लाख, बट अगर हम लोग एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स देखा जाए, तो यहाँ पे आपको 5.5 से 6 लाख के बीच में आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। सो दोस्तों कॉलेज बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बस ये सब कुछ आप पे है कि आप कितना कैपेबिलिटी रखते हो और आप कितना पे करने की क्षमता रखते हो। बिकॉज अगर काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर इसी रेंज में, इसी स्कोर के रेंज में हमें पुणे में ऑप्शंस बताइए, तो सर दोस्तों पुणे में भी ऑप्शंस हैं, डीवाई पाटिल लीग है, इंदिरा लीग है, उसके बाद में वाडिया कॉलेज है, उसके बाद में सिंहगढ़ लीग है। सो दोस्तों ये और ये कॉलेजेस, मुंबई और पुणे के ये कॉलेजेस दोनों इक्वल लेवल पे ही आते हैं। जबकि फीस की कंपैरिजन में देखा जाए तो पुणे थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ेगा, बट जो ओवरऑल एनवायरमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ रहेगा वो मुंबई में डेफिनेटली ज्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रगल ज्यादा है, सो आपको सीखने के लिए भी ज्यादा चीजें मिलेगी। सो दोस्तों यही था हमारा आज का ओवरऑल रिव्यू। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस कॉलेज के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो, आई विल देयर फॉर हेल्प यू एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।